भारत में इस चार जगह पर दबा है अखूट खजाना। प्राचीन काल से भारत समृद्ध देश रहा है। भारत में कई राजा रजवाड़े आए, सभी के वैभव और अखूट खजाने की बात हमने सुनी है। आज हम आपको भारत की चार जगहों के बारे में बताएंगे जहां आज भी दबा है अखूट खजाना। चलिए आज आप और हम मिलकर चलते हैं भारत के उसी खजाने की खोज पर। एक जमाना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ अपार सोना और चांदी, हीरे, जवाहरात, कई कीमती रत्नों और भी बेसकीमती चीजें। लेकिन फिर एक के बाद एक लुटेरों ने देश को लूट डाला, यहाँ के खजाने लूटकर अपने खजाने भर लिए। लेकिन हमारे राजा महाराजा खजाने को संभालने के लिए बहुत युक्तियां करके रखते थे। उन लुटेरों को कोई भी खजाने नहीं मिले हैं, ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है। इसीलिए आज भी भारत की सर जमीन पे छिपे हुए हैं। ये खजाने इतने बड़े हैं कि ये मिल जाए तो देश की पूरी गरीबी मिनटों में दूर हो सकती है, पूरा विदेशी कर्जा चुका दिया जा सकता है, देश समृद्ध हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए आज आपको लेकर चलते हैं खजाने की खोज में। सबसे पहले राजस्थान के जयगढ़ के किले पर चलते हैं, जहाँ है खजाना नंबर एक, राजा मानसी का खजाना। राजा मानसी अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनके सेनापति भी थे। उन्होंने कई युद्धों में अकबर को जीत दिलाई थी। कहा जाता है कि जब अफगानिस्तान में कबीले के सरदारों ने आम जनता को लूटना और परेशान करना शुरू किया था, तब अकबर ने राजा मानसी को ही भेजा था। अफगानिस्तान के वह सब सरदारों को हराकर पूरे अफगानिस्तान का बहुत बड़ा खजाना राजा मानसी ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसे अपने साथ भारत ले आए। कहा जाता है कि राजा मानसी ने इस खजाने को राजस्थान के जयगढ़ के किले में ही कहीं छिपा दिया था। कहा जाता है कि इस खजाने को ढूंढने के लिए इमरजेंसी के वक्त जयपुर की महारानी गायत्री देवी को गिरफ्तार करवा लिया, ऐसी बातें बताई जाती है। उसके बाद मिलिट्री की मदद से कई दिन तक खजाने की खोज का काम भी चला। कई दिन चलने वाले खजाने की खोज के बाद केवल 230 किलो चांदी मिली और कुछ नहीं मिला था। ये सवाल आज तक नहीं सुलझा है कि यह खजाना आखिर कहाँ है। जानकारों का कहना है कि वह बहुत बड़ा खजाना आज भी वहीं मौजूद है, और ऐसा भी सुनने में आया है कि उस खजाने तक पहुँचने की गुत्थियाँ आज भी जयगढ़ के किले में मौजूद है। शायद कल कोई जानकार आ जाए और उस खजाने का रास्ता मिल जाए। अब बात करते हैं खजाना नंबर दो की, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, आपने इस खजाने की भी अधूरी बातें सुनी है, आज हम आपको पूरी बात बताते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 6 तहखाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खोला गया तो उसके अंदर जो मिला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसमें विभिन्न प्रकार के गहने, मुकुट, सोने के बर्तन, कई कीमती रत्न निकले। पद्मनाभ मंदिर के खजाने को लेकर लोगों में हमेशा से कहा जाता है कि इस मंदिर के तहखानों में इतना खजाना भरा है कि देश का एक एक आदमी अमीर बन सकता है। पद्मनाभ मंदिर में अभी तक 6 तहखाने खोले जा चुके हैं। मंदिर के 6 तहखानों में अब तक 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। इसमें भगवान विष्णु की 3.5 फुट की एक सोने की मूर्ति, जिसमें कीमती हीरे और पत्थर जड़े हुए थे, वही 18 फुट लंबी सोने की चेन भी मिली। साथ ही काफी मात्रा में हीरे और कीमती जवाहरात, कई कीमती जेमस्टोन्स मिले हैं। इन खजानों में इतना सोना है कि इससे देश के राजस्व में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। माना जाता है कि मंदिर में पड़े खजाने की टोटल वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। अब इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोले जाने की सिफारिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस तहखाने में पिछले सभी तहखानों से ज्यादा खजाना छिपा हुआ होगा और ये खजाना देश को समृद्ध बना सकता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 6वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है। अब जिसका इंतजार है वह पद्मनाभ मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने में कई तरह की परेशानियां आ रही थी, जिन्हें देखते हुए कोर्ट ने इसे खोलने के आदेश नहीं दिए हैं। अब इस दरवाजे के अंदर का रहस्य क्या है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह जो भी अभी संपत्ति मिली है उससे तो कई गुना होना स्वाभाविक है। आज भी पद्मनाभ मंदिर का खजाना देश के सबसे बड़े रहस्यों में से एक जरूर है। अब बात करते हैं तीसरे खजाने की। कहते हैं भारत की इस नदी में आज भी हीरे भरे पड़े हैं। चलिए बताते हैं। खजाना नंबर 3,
कृष्ण नदी का खजाना। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्ण नदी के तटीय क्षेत्र दो जगहों के कारण प्रसिद्ध है, पहला गोलकुंडा किला और दूसरा कोहिनूर का हीरा। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ दुनिया का बेशकीमती हीरा कोहिनूर निकाला गया था। आज भी इस क्षेत्र में कई हीरे कृष्ण नदी के किनारे पर और तलहटी में पाए जाते हैं। कहते हैं इस जगह पर कई लोगों को बड़े बड़े हीरे ऐसे ही मिल गए हैं और वे लोग इसी की बदौलत बेशुमार धन के स्वामी बन गए हैं दोस्तों। लेकिन इन्हें खोज पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज भी लोग अक्सर यहाँ हीरे की तलाश में आते रहते हैं और अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं। अब बात करते हैं चौथे खजाने की। खजाना नंबर 4, सोनभद्र का खजाना। कुछ साल पहले सोनभद्र में मिले सुवर्ण भंडार को देश का सबसे बड़ा खजाना बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि इस जगह 3000 टन सोना पाया गया है। इतने सोने से तो हमारे देश के अच्छे दिन आने की उम्मीद भी जागने लगी थी। बहुत समय की खोज के बाद जब नतीजा सामने आया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोनभद्र इलाके में सोने का इतना बड़ा कोई भंडार नहीं, और जिस सोने के भंडार की बात की जा रही है वो दरअसल सोने की राख है और यह भी लंबे प्रोसेस के बाद निकाली जाती है, तो एक बार फिर सरकार की खजाना ढूंढने की कोशिश नाकामयाब हो गई। दोस्तों, इतने सारे खजानों के ठिकाने जानने के बाद कहीं आप भी खजाने की खोज पर जाने का प्लान तो नहीं बना रहे? लेकिन याद रखिए, खजाना उसी को मिलता है जो उसका सच्चा वारिस होता है। दोस्तों सोचिए, यह तो एक दो राजाओं के खजाने की बात है, भारत में कितने राजा रजवाड़े हुए जो इनसे भी बड़े थे। क्या तो उनके पास खजाने नहीं होंगे? जरूर होंगे, जो हमें पता नहीं है। भविष्य में भी अभी भारत में ऐसे कई खजाने सामने आ सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आप क्या मानते हैं यह भी बताइए। दोस्तों, इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।